नमस्कार, मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी और आज मुद्दा है ग्वालियर चंबल और बात करेंगे कि यहां कौन होगा कांग्रेस का नाथ। 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस कमर कसती दिख रही है और बिंद के साथ ग्वालियर चंबल में अपनी खोई हुई जमीन तलाश रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ इन दोनों क्षेत्रों पर फोकस कर रहे हैं। बिंद के बाद नाथ के भिंड दौरे को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। सिंधिया के भाजपा में जाने के बाद से ग्वालियर चंबल में आई रिक्तता को भरने के लिए कांग्रेस के दिग्गज कसरत करते दिख रहे हैं। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और उनके सुपुत्र जयवर्धन सिंह भी ग्वालियर चंबल का दौरा कर चुके हैं। तो क्या कांग्रेस के इन दोनों दिग्गजों की नज़र सिंधिया के गढ़ पर है? कौन बनेगा यहाँ का छत्रप और क्या कांग्रेस में अब दिग्विजय और कमलनाथ गुट में अपना अपना दायरा बढ़ाने की होड़ लगी है? तो ग्वालियर चंबल में कौन होगा कांग्रेस का नाथ, इसी पर चर्चा शुरू करेंगे। लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं और 2023 में पार्टी को जीत दिलाने के लिए पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करने के प्रयास में जुटे हैं। साथ ही प्रदेश के विंध्य और ग्वालियर चंबल अंचलों में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कमलनाथ और दिग्विजय लगातार दौरे और बैठकें कर रहे हैं। चुनावी मोड में आ चुके कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कुछ दिनों पहले विंध्य का दौरा किया था। यहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और संगठन के नेताओं के साथ मीटिंग कर चुनावी तैयारियों को धार देने की कोशिश की थी। अब कमलनाथ 23 फरवरी को ग्वालियर चंबल क्षेत्र का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान वो भिंड में सभा भी करेंगे। कमलनाथ भिंड और इसके आसपास के जिलों के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। इसके साथ ही मंडल सेक्टर के पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। कांग्रेस की नज़र ग्वालियर चंबल अंचल में 2018 की सफलता दोहराने पर है, लेकिन पहले की बात अलग थी। तब सिंधिया कांग्रेस में थे और ग्वालियर चंबल उनका गढ़ था। अब कांग्रेस के पास सिंधिया के गढ़ में सेंध लगाने की चुनौती होगी। दिग्विजय और उनके बेटे जयवर्धन सिंह भी लगातार ग्वालियर चंबल पर नजर बनाए हुए हैं। दिग्विजय सिंह तो ये तक कह चुके हैं कि सिंधिया का सम्मान करते थे, इसलिए उनके क्षेत्र में नहीं जाते थे। ऐसे में सवाल यही कि सिंधिया के जाने के बाद अब ग्वालियर चंबल में कांग्रेस का नाथ कौन होगा? पिछले जो बाय इलेक्शन है उसकी बात करो तो ग्वालियर में जहाँ के सिंधिया जी आते हैं, 3 में से 2 सीट कांग्रेस जीती थी और 9 सीट उस अंचल में जीती थी। और अब इनमें इन फाइटिंग जो चलेगी बीजेपी ओरिजिनल और सिंधिया बीजेपी, इसके रिजल्ट भयंकर आने वाले हैं। कांग्रेस चंबल ग्वालियर संभाग में एक तरफा वृद्धि करेगी। वो भिंड एक की पॉइंट है पूरे ग्वालियर चंबल का। भिंड के बाद और भी दौरे होंगे, मुरैना के भी होंगे और भी जगह के होंगे, गुना के होंगे। लगातार कमलनाथ जी सक्रिय कर रहे हैं और संगठन को भी मजबूत कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल अंचल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के दबदबे वाला इलाका माना जाता है। 2020 में 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में 16 सीटें ग्वालियर चंबल अंचल की थीं। ऐसे में सिंधिया की साख भी दाव पर थी, लेकिन सिंधिया ने अपनी ताकत दिखाई और भाजपा ने जीत हासिल कर कांग्रेस को पटखनी दे दी थी। यही वजह है कि 2023 के चुनाव में सबकी निगाहें ग्वालियर चंबल के नतीजों पर होंगी। वहीं कमलनाथ ग्वालियर चंबल के साथ विंध्य में भी पार्टी को मजबूत करने की कोशिशों में जुटे हैं। 2023 में जीत के सपनों को पूरा करने के लिए कांग्रेस के दिग्गज जमीन तो तलाश रहे हैं, लेकिन इन कोशिशों के दौर में भी पार्टी के अंदर का अंतर्द्वंद और नेताओं में गुटबाजी साफ झलक रही है। कमलनाथ और दिग्गी महाराज दोनों अपनी ही धुन में पार्टी की खोई जमीन तलाश कर उस पर जड़े जमाना चाह रहे हैं। पूरी कांग्रेस को जमींदोज करने के बाद अब कार्यकर्ताओं से जमीन पर काम करने की माननी कमलनाथ जी कह रहे हैं। पूरे जीवन जो व्यक्ति जमीन से दौरा जिसने किया ही नहीं है, पूरे जीवन जो हवा में रहे वो कार्यकर्ता से जमीन पर काम करने की कह रहे हैं। जो खुद की विधानसभा में लोकसभा में कभी सड़क मार्ग से नहीं चले, इतनी जगह हेलीपैड बने कि आप पूरे मध्य प्रदेश में कहीं नहीं मिले, वो कार्यकर्ता से। अब कार्यकर्ता ये सब बातें समझता है कमलनाथ जी कि आप इस तरह की बातें करोगे तो मेरे समझ में कोई इस पे अमल करेगा नहीं। जो 38 सीटों के उपचुनाव में
आया बस वैसे ही परिणाम फिर आने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कांग्रेस पर। कांग्रेस का कार्यकर्ता अब इनसे विश्वास उठ चुका है नेतृत्व से। मध्य प्रदेश की राजनीति में ग्वालियर चंबल अंचल की बेहद अहमियत है। ग्वालियर चंबल संभाग के 8 जिलों में विधानसभा की 34 सीटें आती हैं। 2013 के चुनाव में यहां से भाजपा ने 20 सीटें जीती थीं। हालांकि 2018 के चुनाव में कांग्रेस का दबदबा रहा और 26 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं भाजपा को 2013 के मुकाबले 13 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था और वो 2018 में 7 सीटों पर सिमट गई थी। अब 2023 में किसकी झोली में जीत और किसकी झोली में झोल होता है, ये फिलहाल आने वाले साल में पता लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। कौन होगा ग्वालियर चंबल का नाथ, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा, बीजेपी प्रवक्ता दिव्या गुप्ता और वरिष्ठ पत्रकार रजनीश जैन। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मिश्रा जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। अभी आपने नरोत्तम मिश्रा जी को सुना था, वो कह रहे थे कि पूरी कांग्रेस को जमींदोज करने के बाद और खुद जमीन पर नहीं उतरते, हवाई यात्राएं करते हैं, इतने हेलीपैड बने हैं छिंदवाड़ा में और वो कार्यकर्ताओं से जमीन पर काम करने की बात कर रहे हैं। वैसा ही हश्र होगा जैसा 28 उपचुनाव में हुआ था 2023 में भी। देखिए ब्रजेश जी, नरोत्तम जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को डिफेंड करने का प्रयास कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि कमलनाथ जी, जिनके बारे में वो कहते हैं कि सड़क पे नहीं उतरते, 2018 में इनकी सरकार को उखाड़ करके फेंक दिया था। ये जमीनी राजनीति नहीं है तो क्या हेलीपैड की राजनीति कर रहे थे वो छिंदवाड़ा में? तो 1980 से लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है, लेकिन क्या कर पाई छिंदवाड़ा में? लोकसभा में आपने देखा, ये तो इनके हकीकत है, ये इनके प्रयास है और ये इनकी ताकत है। राज्यसभा 2018 में कांग्रेस ने लगातार प्रयास करके अपनी सक्रियता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ताकत बता के इन्हें सत्ता से बाहर कर दिया था। प्रदेश जी, अभी 4 उपचुनाव हुए, आपने देखा खंडवा में 3.25 लाख वोटों से जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी 70,000 पे सिमट गई। रैगांव में कमलनाथ जी खुद नहीं उतरते हैं लेकिन लोगों को सड़क पर जरूर उतार देते हैं। सिंधिया जी से कहा सड़क पर उतर जाओ, उन्होंने सत्ता से उतार दिया। चलिए चलिए ब्रजेश जी, अभी आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए, वो अभी आपके जो रिपोर्ट चल रही थी उसमें लिखा बता रहे थे सिंधिया ने ताकत दिखाई और भारतीय जनता पार्टी जीत गई। दिव्या गुप्ता जी से एक सवाल मेरी तरफ से कर लीजिए जब उनका नंबर आएगा। बिल्कुल, आप ही कर लीजिए, वो सुन रहे हैं, लेकिन मेरा भी एक सवाल है उसमें जी। आपने, चलिए हम नरोत्तम मिश्रा जी की बात पे ना करके पीसी शर्मा की बात कर लेते हैं, उनका बयान भी आपने सुना होगा। वो कह रहे हैं कि 2023 में असली और नकली का भाजपा में झगड़ा होगा। नकली मतलब सिंधिया जी की भाजपा जो उनके साथ आई है, और असली भाजपा मतलब जी। आप सिर्फ यही सपना देख रहे हैं कि उनमें झगड़ा हो और हम बाजी मार ले जाएं कि अपनी तरफ से भी कुछ करेंगे, नया क्षेत्र खड़ा करेंगे। मैं आपको ब्रजेश जी बताना चाह रहा हूँ, ये जिस मेरी बात अधूरी रह गई, खंडवा लोकसभा में हमने इनको 70,000 रुपए ला दिया, रैगांव चीफ सीट पे हमने पराजित कर दिया और जौबट और पृथ्वीपुर में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार नहीं मिला। आप ये देखिए जो पीसी शर्मा जी कह रहे हैं, लेकिन इसी में खुश हो जाएंगे कि हमने लीड कम कर दी, पृथ्वीपुर आपने परंपरागत सीट खो दी, आपने उस पर रंज नहीं। ये बताइए रैगांव परंपरागत कांग्रेस की थी क्या? आप ये बताइए मुझे खंडवा भारतीय जनता पार्टी की थी? भारी है, रैगांव आपने ले ली लेकिन बाकी सीटें तो वो ले गए एक में ही खुश नहीं। ब्रजेश जी, इनके पास उम्मीदवार नहीं था। देखिए सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत कहाँ दिखी? भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार को लड़ाती तो बात समझ में आती। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे 28 पे किया वैसे इंदौर इलेक्शन में किया, चाहे तोपीपुर की बात करें चाहे जोबट की बात करें। अगर आपके संगठन में ताकत थी तो आपको आपके कार्यकर्ता को चुनाव लड़ना था। एक चीज ब्रजेश जी, मैं इस बात की पुष्टि करता हूँ कि अभी आपने कहा कि सिंधिया ने ताकत दिखाई और भारतीय जनता पार्टी जीत गई। भारतीय जनता पार्टी से मेरी तरफ से सवाल कर लेना कि ये जीत भारतीय जनता पार्टी के संगठन की है कि सिंधिया की है, अभी आपकी समझ में आ जाएगा। असली लकड़ी का रोना, तो मेरा ये कहना है
कांग्रेस लगातार संगठन को मजबूत कर रही। ब्रजेश जी हमारे मंडलम अध्यक्ष बन चुके, हम सेक्टर तक पहुंच चुके हैं, घर घर चलो के माध्यम से आपने देखा। ठीक है मिश्रा जी, शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। रजनीश जी, दिग्विजय सिंह भी सक्रिय हैं ग्वालियर चंबल में, कमलनाथ भी सक्रिय हैं, कमलनाथ जी भी दौरे कर रहे हैं, बिंद के बाद ग्वालियर चंबल का दौरा, क्या जो रिक्तता आई है सिंधिया जी के जाने से भर पाएंगे ये दोनों नेता? देखिए पिछले कुछ अरसे से तो ऐसा लग रहा है प्रदेश में कि कमलनाथ जी अकेले, सिंधिया जी और ये तीन लोग आए थे, अपने तीनों ने संभवित ताकत लगाई थी, सरकार बनी थी, सिंधिया जी चले गए थे। और सिंधिया जी जैसा कि आपने बोला था कि उनसे उनने कहा कि सड़क पर उतर जाएगी जी। अभी दिग्विजय सिंह जी से क्या बोला कि मुझे बताना था, लगभग ये शब्द थे कि बैठे रहिए धरने में बैठे रहिए। तो ये स्थितियां आंतरिक है। तो कमलनाथ जी को उम्र से लड़ना है, नरोत्तम जी जैसा कह रहे थे सही शब्द है कि 76 साल के हो चुके हैं और उन्होंने कभी फील्ड का काम किया नहीं है। जब 15 महीने का शासन आया था तब वो बैठकों में उनका पूरा समय निकल गया और ना वो राजनीतिक गतिविधियों को समय दे पाए, छिटी बात तो दूर है, अपने सहयोगियों को से नहीं मिल पाए, विधायकों से नहीं मिल पाए जी। तो ये स्थितियां रहेंगे। तो इनको प्रत्यक्ष दुश्मन यानी भाजपा से निपटना है और आंतरिक विरोधियों को भी टिकाने लगाना है और काम बहुत बड़ा है। 230 सीटें हैं ये उपचुनाव तो 4-6-8-10-12 सीटों के होते हैं और सब जगह व्यवस्था करना, ब्लॉक लेवल पे कार्यकर्ता में ऊर्जा उत्साह भरना, जिलों पे बैठ के करना, वो ना तो अब दिग्विजय सिंह जी के बस की बात है और ना कमलनाथ जी के बस की बात है। और दिग्विजय सिंह जी तो उत्सुक भी नजर नहीं आते, शायद उनको हरी झंडी भी नहीं है, ऊपर प्रदेश पूरा सौंप दिया गया है कमलनाथ जी को, ऐसा लग रहा है और ये कार्यकर्ता कांग्रेस के भी महसूस कर रहे हैं। तो स्थितियां ये है। अब विजन की बात कर ले, विजन निसंदेह इतना बड़ा है, किसानों पे अलग काम करना है, शिक्षा स्वास्थ्य अन्य सुविधाओं पे अलग काम करना है, औद्योगिक नीति जिसमें जो यूएसपी है कमलनाथ जी। लेकिन जैन साहब, पहले हम कहते थे कि कांग्रेस बड़ी देर से जागती है, चुनाव के पहले जागती है, कुछ नहीं कर पाती है, और तब ये बात कही जाती थी कि पहले जाग जाए, लेकिन अब तो हम कम से कम कह सकते हैं 19 महीने पहले सक्रियता तो दिख रही है, दौरे तो कर रहे हैं, मंडलम सेक्टर की बात तो कर रहे हैं, गठन की कवायद तो कर रहे हैं, तो चुनौती तो दिख रही है या बनने की कोशिश कर रही है कांग्रेस? निश्चित रूप से चुनौती दिख रही है कमलनाथ जी की, लेकिन अकेला चना भाग नहीं छोड़ सकता है। बिल्कुल, ये बड़ा मामला है, ये बड़ा मामला है। और कमलनाथ जी की जो क्षमता है, कमलनाथ जी एक तरह से बुजुर्ग पीढ़ी के नेता हो गए और सिंधिया जी जो है अभी नई पीढ़ी के सबसे मैच्योर नेता, मेरे ख्याल से तो देश में सबसे मैच्योर नेता, जिनसे राहुल गांधी जी लोकसभा की कार्यवाहियों में मार्गदर्शन लिया करते, हम सबने देखा लोकसभा टीवी पे। मार्गदर्शन तो दिग्विजय सिंह जी से भी लेते थे राहुल गांधी, ऐसा भी कहा जाता था कि वो उनके गुरु हैं। हाँ, लेकिन सिंधिया जी का जाना फील्ड के बहुत बड़े सारथी का और अर्जुन का चला जाना है जैसा कि मान लीजिए आप, और प्रदेश की जनता जो है, आप ये क्यों भूल रहे हैं कि इस जितने पहले ये सक्रिय हो गए 15 महीने का वो कार्यकाल, तो भारतीय जनता पार्टी और इनके आंतरिक विरोधियों दोनों ने भी अपनी तैयारियां इनके कामकाज को देख के कर ली होगी कि ये कौन से टूल और किट अपनाते हैं, किस तरह की गतिविधियों को आगे बढ़ाते हैं, क्या इनके तौर तरीके हैं, उनसे निपटने की सामने वाले वालों ने भी तैयारियां की होंगी। और एक बात और मैं कह रहा हूं कि कमलनाथ जी की जाति वो अभी सार्वजनिक नहीं है, बात खूब होती है कि जाति जात पात राजनीति में नहीं घुसाना चाहिए, लेकिन यही लोग कहते हैं कि सच्चाई भी है जाति, और कमलनाथ जी की जाति जो है
वो ऐसी ऐसी चीजें अभी साल जिन्हें खोना बाकी है भाई। जब आप ओबीसी से लेके और आदिवासी और तमाम तरह की राजनीतियां सामने रख रहे हैं तो आपको मुख्यमंत्री की भी जाति बताना पड़ेगी, और जब वो सार्वजनिक होगी तो आपका दायरा संकुचित हो जाएगा, कुछ लोग और छिटकेंगे आप। तो ये बहुत सारे तो चुनौतियां भाजपा के लिए बने, उससे पहले घर की चुनौतियों को ठीक करना पड़ेगा कांग्रेस को। रजनीश जी कह रहे थे किन्हीं कारणों से जितेंद्र मिश्रा जी को जाना पड़ा, हमारे साथ धर्मेंद्र शर्मा जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। धर्मेंद्र जी, अभी आपने सुना रजनीश जी कह रहे थे चुनौती तो है, ग्वालियर चंबल में जो रिक्तता आई है उसको भरने के लिए चेहरा आपके पास चला गया, ऐसा सारथी चला गया जिससे महाभारत का जंग यदि हम कहें जो चुनावी जंग है वहां बिना सारथी के लड़ने वाले हो आप, और दिग्विजय सिंह कमलनाथ दोनों प्रयासरत कर रहे हैं कि अपने अपने क्षेत्र को बढ़ाकर ग्वालियर चंबल पर कब्जा कर लें। पहले दिग्विजय सिंह जाते हैं, जयवर्धन जाते हैं, अब कमलनाथ जा रहे हैं। मैंने रजनीश सर की बात को बड़ी गंभीरता से सुना और रजनीश सर ने एक बात कहा कि साहब वो बुजुर्ग हो गए हैं, 76 साल के हो गए। अच्छा रजनीश सर आप बता दें मोदी जी की उम्र क्या है? मोदी जी भी बुजुर्ग हो गए। लेकिन जब विपक्ष में रहते हैं तो संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है, आपको वैसी मेहनत करना पड़ती है, वैसी दिख नहीं रहे। नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे थे आप नहीं थे तब उनकी सुनी नहीं बाइट आपने, उन्होंने कहा वो तो हवाई नेता हैं, हवाई जहाज से नीचे नहीं उतरते हैं और जमीन पे काम करने की बात करते हैं। मैं कह तो रहा हूँ कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2023 में इस प्रदेश की जनता ने ठान लिया है कांग्रेस की सरकार आएगी और आप देखना 150 से 200 के बीच में कांग्रेस की जीतें आएंगी और प्रत्येक कार्यकर्ता ने कमर कस ली है कमलनाथ जी के नेतृत्व में काम करने के लिए, पूरा संगठन एक तो शर्मा जी सही है मान लिया कमलनाथ जी सक्रिय हैं, लेकिन कमर कसने की कार्यकर्ता की आप बात करो, 3 दिन पहले का एक वीडियो वायरल हो रहा है दिग्विजय सिंह जी का कि कार्यकर्ता 3 गुटों में खड़े हुए हैं और दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि एक साथ आ जाओ भैया नहीं तो 2023 में नाम लेने वाला नहीं बचेगा, कोई कार्यकर्ता नहीं मिलेगा, तब भी एक साथ नहीं आ रहे। आप कह रहे हो कमर कसली होती तो एक साथ आते। सर कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है और आप देखेंगे कांग्रेस के साथ इस समय जनता है, महंगाई बेरोजगारी लगातार आप देखिए पेट्रोल डीजल गैस खाद्यान्न की चीजें सरसों का तेल, मतलब शर्मा जी कांग्रेस वैसे ही सोचती है कि जनता लड़े उसका चुनाव, वो ना जाए बीच में, मेहनत ना करे, सिर्फ लड्डू खाने आ जाए आखिर। जमीन स्तर पर हमारा घर घर चलो अभियान चल रहा है, जन जागरण अभियान चल रहा है और लगातार हम प्रत्येक पोलिंग पर अभी 100 नए एक बूथ पर 100 मजबूत वोटरों के हम अपने साथ जोड़ रहे हैं और उनको अपना कार्यकर्ता बनाने का काम कर रहे हैं। प्रत्येक बूथ पर 100 लोगों को जोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, एक पोलिंग पर 100 लोगों को जोड़ने का टारगेट है हमारा और उस पर हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है। और घर संभाल नहीं पा रहे हैं वो सतीश से करवा रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं ग्वालियर चंबल में सिंधिया जी की, पैर पड़ रहे हैं सिंधिया जी के और वो हिंदू महासभा के कार्यक्रम में जा रहे हैं जिसका आप विरोध करते हैं, सावरकर की प्रतिमा की अनावरण की बात कर रहे हैं, ताला खुलवा रहे हैं, तो ऐसे ही जीतेंगे क्या धर्मेंद्र जी? सतीश सिकरवार जी अभी भाजपा से कांग्रेस में आए हैं तो चूंकि वो अभी नए आए हैं इसलिए भटक रहे हैं, देखना चले ना जाए वो थोड़ा बहुत कभी कभार उस चीज को वो नहीं समझ पाते इस कारण से। लेकिन आपके यहाँ से इतने सारे आए वो तो भटकते नहीं दिख रहे हैं, एक लाए वो भी भटकने लगा और वो अपनी तरफ से इस बात का स्पष्टीकरण दे चुके हैं कि मैं तन मन से कांग्रेस के साथ हूँ। वो बात उनने खुद ने कहा है कि कभी कभार क्योंकि वो उस सावरकर जलाशय की बात आपने जो कही उसका नाम ग्वालियर में कटोरा ताल है, वो कटोरा ताल चूंकि वहां उनका बचपन बीता है उससे उनका लगाव है तो उसको राजनीतिक चश्मे से उसके ऊपर वो स्पष्टीकरण दे चुके हैं कि इसको नहीं देखना चाहिए। रही बात सिंधिया जी की तारीफ की तो उन्होंने किस कारण से सिंधिया जी की तारीफ की है इसका तो सतीश अग्रवाल जी बता पाएंगे और उनसे इस विषय पर मैं मानता हूं और जानता भी हूं। तो आप मानते हो ना कि पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए, स्पष्टीकरण लेना चाहिए, क्यों हिंदू महासभा के बुलावे पे गए बात करते? आपने कहा है कि सरोवर की बात कर रहे हैं वो सावरकर के सरोवर की, तो बात करते वो अलग बात थी लेकिन उन कार्यक्रम किसी और का था जो आपके विरोधी हैं, जो गोडसे की भक्ति करते हैं पूजा करते हैं जिनकी आप खिलाफत करते हैं उनके बुलावे पे गए हैं आपके विधायक। उसको लेकर वरिष्ठ नेतृत्व तो बिल्कुल संज्ञान लेगा जो भी उनसे बात की जाएगी और इस पर तो सतीश अग्रवाल जी बता पाएंगे कि वो क्यों गए।
तो पूछेगी तो पार्टी ना आपकी, आप प्रवक्ता हैं। बिल्कुल पूछेगी पार्टी और आप, आपके सामने आ जाएगा, आप देखिए उनका स्पष्टीकरण है कि आप दो दिन में आ जाएगा। तो पुराने का तो आया नहीं, इसका उम्मीद है कि आ सकता है, आ जाएगा। लेकिन रजनीश जी, कांग्रेस में आपने कहा कि चुनौतियां तो हैं, क्या आपको लग रहा है कि ये अपना अपना दायरा बढ़ाना चाहते हैं? दिग्विजय सिंह भी अपनी रफ्तार में चल रहे हैं, भिंड में आप अजय सिंह को नहीं साध पा रहे हैं, अरुण यादव को नहीं साध पा रहे हैं, पहले घर को संभालना चाहिए, जो दिग्गज हैं उनके भरोसे रहना चाहिए। कि आप छिंदवाड़ा से भिंड में आप वोट बटोर सकते हैं क्या? आप कार्यकर्ता जुटा सकते हैं? क्षेत्रीय छत्रपों की पार्टी कहलाती है कांग्रेस, नेता के पीछे चलती है, पार्टी के पीछे कार्यकर्ता नहीं चलता है। तो इससे बेहतर एक संदेश दें कि सब एक मंच पर आए। देखिए अभी सागर में कार्यक्रम हुआ था, उसमें उसका प्रत्यक्ष घटनाक्रम ये था, वो संत रविदास जी जयंती का कार्यक्रम था, उसमें स्पष्ट रूप से दिग्विजय सिंह जी का गुट अलग बैठा, पचौरी जी का गुट मंच पर नहीं चढ़ पाया, कमलनाथ जी का के जो नए आए हुए लोग हैं वो पूरे मंच पे थे। तो स्पष्ट रूप से विभाजन रेखाएं दिख रही कि ये गुटों में बटे हुए हैं। और हालांकि कमलनाथ जी कोशिश पूरी कर रहे होंगे, लेकिन जब छत्रपों में बटी हुई पार्टी रहती है तो यही होता है, जब आप उनके मठाधीशों को नहीं साधेंगे, उनकी एकजुटता तय नहीं करेंगे, उनके उनको उनकी हिस्सेदारी नहीं देंगे, तब तक निचले कार्यकर्ता निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं को जो गुटबाजी और छत्रप तो इधर भी हैं, और एक बड़े छत्रप आ गए हैं सिंधिया जी, तो जो उम्मीद कर रही है कांग्रेस वो भी इधर होगी ना, इधर ज्यादा साधना पड़ेगा क्योंकि एक आदमी को ज्यादा मिल गया, बाकी के लोगों को मिला ही नहीं है। लेकिन लेकिन अंततः आप देखिए कि जब मोदी जी और अमित शाह आते हैं तो मतलब भाजपा के पास दो ब्रह्मास्त्र हैं, एक मोदी शाह, ब्रजलोक गोपाल लोया जी जुड़ गए हमारे साथ, कांग्रेस भाजपा प्रवक्ता है, माफ कीजिएगा लोया जी पीसी शर्मा कह रहे थे कि जब 2023 में चुनाव आएगा तो उससे पहले असली और नकली की लड़ाई होगी, असली यानी जो मूल भाजपा ही है, नकली यानी जो सिंधिया जी के साथ आए, और ग्वालियर चंबल में सुपड़ा साफ हो जाएगा। नहीं नहीं देखिए कौन कह रहा है, ये तो कभी भारतीय जनता पार्टी में असली और नकली नहीं होता है, केवल एक बात स्पष्ट है, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता है और जो नहीं है वो नहीं है, और जो भारतीय जनता पार्टी की विचार से संगठनात्मक ढांचे से सहमत है वो हमारा कार्यकर्ता होता है, और ऐसे लाखों लाख कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पास है। ये जो नकली असली है ना, ये कांग्रेस में चलता रहता है, इनका अपना गणित है, उस तरीके से ये पार्टी चलती रहती है, और भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा आधारित राजनीतिक दल है, और तो वो कह रहे हैं हमारा नकली माल आपके यहाँ चला गया, तो आपके असली में मिल पाया कि नहीं मिल पाया? नहीं नहीं हमारे, मैंने अभी आपसे कहा कोई असली नहीं है और कोई नकली नहीं है, वो तो कह रहे हैं उनका ही प्रोडक्ट था ना नकली, बोले हमारा नकली माल चला गया है, मिला पाए कि नहीं मिला पाया आप? नहीं नहीं हमारे यहाँ तो हमने आपको कहा ना कि एक भी कार्यकर्ता, देखिए इनके यहाँ क्षेत्रीय क्षेत्र की बात होती है कि किस क्षेत्र का कौन नेता है, किस गुट का कौन नेता है, हमारे यहाँ ये बात नहीं होती, हमारे यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है और सभी कार्यकर्ता एक समान है, और निर्णय होने तक प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात कहने की आजादी है, और निर्णय होने के बाद उस निर्णय, मतलब आपके यहाँ आके सब शुद्ध हो जाता है, अच्छी बात है, अच्छी मशीन है, हमारे यहाँ आकर शुद्ध नहीं होता है, जब उसको ये समझ आ जाता है कि मैंने गलती पुराने समय कर ली है, तब वो भारतीय जनता पार्टी में आता है, और जिसको राष्ट्र सेवा करनी है, जनता का कल्याण करना है, वो भारतीय जनता पार्टी में आता है, और जो मतलब लोग असली थे वो नकलियों के बीच में थे, तो उन्होंने कहा चलो असली जगह चले अपन। नहीं मैं आपसे फिर कहता हूँ, कोई असली नहीं और नकली नहीं, दोनों बात। मैंने तो पलटी मार दी ना, मैं तो कह रहा हूँ कि वो नकली थे, कांग्रेस नकली थी और सिंधिया जी असली थे, उनको लगा असली जगह चले जाएं, अब आप उसमें भी कह रहे हैं नहीं। नहीं नहीं मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, कोई असली नहीं और कोई नकली नहीं, ये जो स्लोगन है, इस स्लोगन के भारतीय जनता पार्टी में है, हमें हमारा हर कार्यकर्ता बिल्कुल एक बराबर। तो आपके लिए कांग्रेस कोई चुनौती नहीं है 2023 में, ना वो बनती दिख रही है? कांग्रेस बची नहीं है, कांग्रेस बची नहीं है, इनके पास ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है, इनके पास कुछ है नहीं, तो अब ये केवल बातें कर सकते हैं, और कमलनाथ जी अभी जा रहे हैं तो उनको समझ आ जाएगा, अभी कल गए थे रीवा के मनगवा में, उनके सामने नारेबाजी हुई,
अभी चार दिन पहले दिग्विजय सिंह जी कह चुके हैं कि ये आखिरी है, इसके बाद कांग्रेस खत्म हो जाएगी। चलिए, बहरहाल अब समय भी इजाजत नहीं देता है, इसलिए हम इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाजपा भले ही कांग्रेस को चुनौती न माने, लेकिन कांग्रेस चुनौती बनने की कोशिश कर रही है। विपक्ष मजबूत है, उसको नकारा भी नहीं जा सकता। जिस तरह कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दौरे कर रहे हैं, खासकर कमलनाथ बिंद के बाद अब ग्वालियर चंबल के क्षेत्र पे दौरे पर हैं, तो आप देखिए कि यदि कांग्रेस पहले से कोशिश कर रही है, आमतौर पर कांग्रेस चुनाव के समय जागती थी, यदि पहले से कोशिश कर रही है तो उसकी कोशिशें रंग ही लाएंगी। लेकिन क्यों नहीं कांग्रेस को ये करना चाहिए कि वो क्षेत्रीय क्षत्रपों पर भरोसा करे, उनको एकजुट करे, पहले अपनी ताकत मजबूत करे, फिर लड़ने के लिए तैयार हो। उम्मीद है कांग्रेस हाईकमान इस पर भी विचार करेगा। मुद्दा तो है, मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।